सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है डेविड लाइफ। और गाइस, आप सभी लोगों को स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। आप लोगों को पता है कि आजकल मैं ज़्यादातर घर के ही अंदर व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि फैमिली पहले नहीं थी, अब है तो दिखाने में अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं, मोमो, पापा, ख़त्म। शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा शुरू हो रहा है, लंबा जा रहा है, लास्ट में ख़त्म हो रहा है, वो अच्छा लग रहा है। और ये क्या, यहाँ पे मेरे रिंग लाइट की लाइट चली गई और मेरे को लग रहा है मेरा रिंग लाइट खराब हो गया है। तो सैमी और अभय बहुत बच के रहना, जान से मार दूंगा। 2000 पे सैमी, 2000 पे अभय निकलवा लूंगा अगर ये खराब हो गया तो। और देखो मेरे घर में क्या बन रहा है, और कौन कौन मेरे घर में बैठे हुए और किस पोजिशन में बैठे हुए, ये भी दिखाऊंगा। देखो एक मिनट दो। तो गाइस, मेरे घर पे आज आई है हमारे जीतू की बहन खुशी। और खुशी, क्या हाल है तेरे? अभी मेरे को फीवर है, इसलिए कोई बात नहीं, शकल जैसे भी अच्छी है और दिल से अच्छा होना चाहिए। शकल से अच्छा कर क्या करेगी, अब तेरा दिल अच्छा नहीं है या फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हूँ क्या? इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, शकल नहीं। मेरी शकल देख कितनी खराब है, लेकिन दिल से अच्छा हो ना। तू दिल से भी अच्छी नहीं है, भगवान क्या होगा, ऐसे लोग हमारे पृथ्वी पर जी रहे अभी भी। और ये देखो माँ बेटी, इंसान को अच्छे कभी नहीं कहते, दे रहे हो। हाँ, उनकी भावनाओं को आ रहा हूँ आपके पास भी अभी। गाइस, मेरे पापा लेक्चर दे रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास। रुक जाओ जरा, मच्छी भूल लो, थोड़ा सा मच्छी बन रहा है मेरे घर में। देख ये रिदिमा और हमारी अभी सो के उठी है। ये गाइस, ये कल रात को 11 बजे जगी थी, ऐसे ही बड़े बड़े आंख करके देख रही थी। और हमारे घर में तो सबसे शैतान बच्चा अभी के डेट में, अभी के तारीख में। पहले तो मैं था घर में, बड़ा था, नादान जैसे हरकतें करता था, लेकिन अब देखो छोटी और नादानी हरकतें ये करती है। हाँ देखियो, हेलो को, हेलो 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 हेलो, वो कह रही है मैं झुकेगा नहीं साला। मेंढक के बोझ में बेचारे को रुला दिया मैंने, ये रात चल गया नेट। ले देखो खुश, बच्चों को फोन चाहिए और कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं जिंदगी भर में, इन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऐसी बातें कहती है कि मम्मी बड़ी होंगी पापा की तरह लैपटॉप में काम करूंगा, आपको नाइटी और साड़ी दिलाऊंगी, लेकिन पापा को पूरा दुनिया दिलाएगी, मम्मी को सिर्फ नाइटी साड़ी, खत्म। पापा को कार खरीद के देगी, थार नाम भी आ जाए उसको, बस रही है। देखो और पापा को देखो यहाँ पे, हेलो गाइस, दोस्तों, बच्चों, मैं ये कह रहा था इंसान का चेहरा कितने भी सुंदर हो वो थोड़ी देर मतलब फिलहाल के लिए होती है। अच्छा। सबसे अच्छा होता है मन की भावना है, दिल जिसके अंदर बाहर मतलब गोरा हो, बाहर गोरा होने से अंदर काला है इससे कोई फायदा नहीं है। अंदर काला है बाहर गोरा, अंदर गोरा है बाहर काला है। तो सबसे सुंदर उसके भावनाओं को और उसके दिल को कहते हैं। अच्छा, तो मोमो का बताओ, मोमो कैसी है? हा? मैंने आजमाया नहीं है। अच्छा, जितना आपने देखा उतना बताओ, तुम जानो, तुम बताओ। अब बाहर से देखने में तो ठीक ही लगता है, और अंदर से उनके भावनाओं को अभी हमने परखा नहीं है। अच्छा, क्या है क्या नहीं है हम कैसे बताएं? देखो इतने टाइम से मेरे साथ में, लेकिन इनको नहीं पता कि क्या है कैसे है। कितनी गलत बात बोल रहे बाबा यार आप, दिल से तो बोलते हो भगवान लिया, लेकिन देखो अभी देखो पलट रहे हैं मोमो, देख ले तू, देखते हुए ब्लॉग देख ले, पलट रहे हैं, खुशी देख ले पलट रहे हैं, तू ही मानती है ना भाभी? देखो ये देखो ये देखो, बहू बोलते बोलते पलट रहे हैं। नहीं नहीं भाभी बोलती, आपकी बीवी मारती है। ओ भाई साहब, मोमो देख ले यार, सब बोलते हैं कि वो सूरज भैया की होने वाली बीवी आई है। देखो माय गॉड, अरे ऐसा नहीं, मेरे पापा ही मानते हैं बहुत ज्यादा, बट अभी शर्मा रहे हैं बोलने में। देख ले मोमो तेरे बारे में बोलने में शर्मा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मच्छी पलट रहे हैं और कुछ नहीं पलट रहे। देखो सब, हमने तो उसको अपने दिल से मान लिया है, अपना मान लिया है। वो अपने मतलब मेरे उम्र तक के लिए, मतलब जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ले मैंने अपने उसको बेटी मान लिया हूँ। बाकी आगे क्या होगा तुम लोग जानो, समय जाने भगवान जाने। सही बात है। और मच्छी बन रहा है मेरे घर पे, अभी फ्राई हो रहा है और ये सुबह बनेगा, मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि रात में जितना हो सकता है उतना दिखा रहा हूँ। और देखो पीछे उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, मेंढक पोज में बैठी हुई है। तो आप लोगों को प्यारा सा गुड नाइट, और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना हमारे ब्लॉग के, भी आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो सुबह सुबह बसड़ वगैरह वो देखने में मज़ा आएगा, क्या ना कुछ। तो गुड नाइट। A few moments later.
सही गाइस, मैंने सब थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं सीधा सुबह भी लूँगा, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में ख्याल आया सोचा कि आप लोगों से पूछ लूँ। और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि देखो अभी, और अभी मैंने पता है इतने सारे कपड़े धोए, 15 पैंट, 10 टी शर्ट और 5 शर्ट और 2 जैकेट। और उसके बाद मैं बना रहा हूँ खाना, मतलब खाना मीन्स कि मैंने बना सोयाबीन की सब्जी बना रहा हूँ, घर में मेरी बनी है मछली है, मैं मछली खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता था आप लोगों से कि इंसान को किस एज में शादी करनी चाहिए। और आपको तो पता है कि मैं और दीप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में है, तो शादी कब करनी चाहिए, कौन सी एज में करनी चाहिए, कंफ्यूज है। और होने के बाद क्या बुड्ढे होने के बाद कैसे कह रही, बुड्ढे होने के बाद खुद तो बहुत जवान है, दूसरों को गलत सलाह दे रही है, बुड्ढी हो गई है मैं, इसमें देखे फोन कलर का है, मैंने बाला भी देखे बुड्ढे होने के बाद। तो गाइस मैं यही चीज़ पूछ रहा था आपसे कि शादी करने की सबसे बढ़िया एज कौन सी होती है, और उसके बाद कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यार। आप लोग तो काफ़ी सारे लोग देखते होंगे व्लॉग, तो मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपके पास कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बस मैं जानना चाहता हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल है रवि भूषण कनिका, लेकिन नहीं मैं तब भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि शादी होने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है, मैं जानना चाहता हूँ ये चीज़, बस मेरे मन में था पूछना, सबसे पूछ लो। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। The next day. Hey guys, good morning. आप लोगों स्वीट सा सुबह हो चुका हमारे यहाँ पे और वापस ड्यूटी से आ चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं कम से कम 6 और मेरे बहन चाय पी रही है, मेरी भांजी और दोनों भांजी उठ जाती हैं बहुत जल्दी, और मैंने बोला था पापा मच्छी बना रहे हैं, देखो कैसे बना रहे हैं। आलू दिया, पानी डाला, लहसुन डाला, कच्चा मिर्च डाला, बस हो गया। क्या मछली? मछली ना रहा, सोयाबीन की सब्जी। मछली में मसाला दम से पड़ते हैं, खास करके सरसों, इसके असली मसाला सरसों और लहसुन, ये दो चीज तो अनिवार्य है मछली में। मछली में जरा भाई तो दिखे, जरा तो शकल दिखे, झोल कर लियो। गैस आप लोग देखो झोल की तारीफ हो रही है यहाँ पे मछली की, दिखो जरा तो मछली दिखो, झोल बन रहा है, कोई नहीं दिखाना, वो मसाला दिखा ले। हे गैस देखो ये, इसमें मुझे मछली बनाना है जो शाम को मैंने फ्राई करके रखा है ये, और इसे मैं अच्छे से दिखाऊँ ना, मछली के लिए मसाला भूज रहा हूँ। इसमें है अदरक, प्याज, लहसुन और टमाटर। तो मेरे मुख में देखा, देखते हैं खाने में कैसा लगेगा। बिछड़ा हुआ चमन। One hour later. So guys, good morning आप लोगों का again sweet सा। कैसे आप लोग, बढ़िया होंगे, और नाश्ता वास्ता आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैंने रात को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि शादी करने के बाद लाइफ कैसे होती है, तो ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि शादी होने के बाद लाइफ कैसे होती है, और लव मैरिज करनी चाहिए फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए, कन्फ्यूज़ हूँ। बस ऐसे ही मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ ये चीज़ कि लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अगर हम लव को अरेंज मैरिज की तरह करें तो मैं टोटली कन्फ्यूज़ हूँ, तो मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए ये चीज़ जानने में कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, और कैसे कर रहे चाहिए, कैसे कर, शादी होती है कैसे, पागल से बताइए। तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ शादी होने के बाद लाइफ कैसी होती है और क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में, तो आप लोग से जानना चाहता हूँ ये चीज़ में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ज़रूर 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 बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आपने आंसर अच्छा दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ता हूँ मैं। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे लोगों को भेज दीजिए जो कि मेरे ब्लॉग देख सके और मुझे सब्सक्राइब कर सके चैनल को मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छा सा ऑसम लेके, करवा चौथ है तो उसका ब्लॉग आएगा गाइस, मेरा नहीं तो किसी और का ही सही, लेकिन आएगा जरूर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सायोनारा।